पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। 2023 के गंगा सागर मेला के लिए तैयारी जोर शोर से चल रहा है। ये वही इलाका है जहां गंगा मैया पहाड़ों से होते हुए यहां आके सागर में मिलते हैं। इस जगह का नाम गंगा सागर है और यहां लाखों यात्री, साधु, संत और भक्त आएंगे गंगा मैया और सागर के जहां मिलन होता है वहां डुबकी लगाने के लिए। मकर संक्रांति के आसपास लोगों का आना जाना शुरू हो गया है, डुबकी लगाना शुरू हो गया है और पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा यहां पे बहुत सारे आयोजन किया गया है, बहुत सारे तैयारियां हैं ताकि ये जो लाखों के तादाद में लोग आने वाले हैं ये आके इनका जो भक्ति है, जो स्नान के जो पूरा प्लान है वो ठीक से हो जाए और कोई हादसा ना होए। गंगा सागर मेला जैसा फेस्टिवल का ऑर्गेनाइज करने के लिए सबसे बड़ा चुनौती होता है कि जो लाखों के संख्या में यात्री, साधु, संत और भक्त आने वाले हैं वो कहाँ रहेंगे। तो पश्चिम बंगाल सरकार ने इस तरीके का हटमेंट बनाया है जहाँ पे लोग रह सकते हैं आराम से और साथ साथ यहाँ पे टेम्पररी टॉयलेट्स, बेदिंग एरियाज भी बनाया गया है ताकि लोगों के रहने में कोई समस्या ना हो और वो आके यहाँ पे जब गंगा सागर में डुबकी लगाते हैं और रहते हैं तब उनके लिए रहने का ठीक ठाक बंदोबस्त हो जाए। रहने का बंदोबस्त के साथ साथ सैनिटेशन पे भी नजर रखे जा रहा है क्योंकि सरकार के द्वारा जब ये हटमेंट बनाया जा रहा है लोगों के रहने के लिए तब टेम्पररी टॉयलेट्स भी बनाया जा रहा है ताकि लोगों का जो सैनिटेशन का इश्यूज है वो भी ठीक से उनके लिए सुविधा दिया जाए, इसीलिए ये सारे इंतजाम किया गया है। जो तीर्थयात्री गंगा सागर आते हैं डुबकी लगाने के लिए वो जरूर डुबकी लगाने के बाद कपिल मुनि के आश्रम में पूजा अर्पण करते हैं और इसीलिए जो लाखों के तादाद में लोग आने वाले हैं यहाँ पे वो यहाँ पूजा करेंगे और क्राउड मैनेजमेंट को लेकर प्रशासन की एक बहुत बड़ी भूमिका होगी कपिल मुनि आश्रम के आसपास, इसीलिए यहाँ पे क्राउड मैनेजमेंट के सारे इंतजाम किया जा रहा है। इस स्तर पर कोई धार्मिक उत्सव मनाने के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है मॉनिटरिंग। लाखों की तादाद में लोग आकर वो नदी क्रॉस करते हैं, फिर रास्ते से चलते हुए यहां तक पहुंचते हैं और फिर वो गंगा मैया जहां नदी सागर में आके मिलते हैं वहां पे डुबकी लगाते हैं, उसके बाद वो पूजा करते हैं फिर वापस जाते हैं। लेकिन ये जो सारे लोगों की मूवमेंट है, जो लाखों की तादाद में जो मूवमेंट है, ये कैसे मॉनिटर किया जाएगा? तो उसके लिए गंगा सागर में एक मेगा कंट्रोल रूम बनाया जाता है जिसमें टीवी स्क्रीन लगाए जाते हैं, जिसमें हर सीसीटीवी कैमरा का आउटपुट रहता है और फिर यहाँ पे लोग आके जो ऑफिशियल्स बैठे हैं वो हर जगह का, चाहे वो आपका जो नदी है, मंदिर है या जो रास्ते है, लोग जब नहा रहे हैं, ये सारे चीजों का मॉनिटरिंग वो यहाँ पे बैठ के कर सकते हैं। जायंट स्क्रीन में सारे जो आपके लोग यहाँ से वहां जा रहे हैं वो सारे चीज इस कंट्रोल रूम में बैठ के अधिकारियों को दिखाई देंगे और ऐसे गंगा सागर तीर्थयात्री पर और जो यहाँ पे लोग आ रहे हैं, जो जा रहे हैं, उन पर नजर रखा जाएगा। इस मेले की तैयारी 2023 गंगा सागर मेले की तैयारी हम लोगों ने लास्ट ईयर जुलाई के महीने से, जून जुलाई के महीने से स्टार्ट कर दी थी। इस मेले के अंदर सिर्फ एक डिपार्टमेंट नहीं, पूरे सरकार के कई सारे डिपार्टमेंट का काम होता है, कई डिपार्टमेंट्स का, फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, पंचायत का, जिला परिषद का, ग्राम पंचायत का, इसमें सबका कोऑर्डिनेशन हम लोगों को इस मेले के लिए लगता है। जैसे वो मीटिंग्स हम लोगों का जो प्रिपरेशंस हैं, साइट विजिट्स हैं, वो सारी शुरू हो गई थी जुलाई से, जून जुलाई से इनफैक्ट। अगर हम एक छोटा सा अनुमान ही आपको देते हैं तो हमारा डिस्ट्रिक्ट में जितने भी ऑफिसर्स हैं, सारे ऑफिसर्स इसके इस पूरे जो पूरा जो अरेंजमेंट होता है ऑट्रम घाट से लेकर फिर लॉटेट हो गया, फिर एक पॉइंट जो काकदीप है, मेन जो हमारा ट्रैफिक है वो लॉटेट और कुचुबड़िया के बीच में रहेगा। अनुमानिक तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लैक्स के अंदर पिलग्रिमेज में भी 30 लाख एंड अबव पिलग्रिम हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो रहेंगे, तो हम लोगों का अरेंजमेंट उस तरीके से रहेगा। तीर्थयात्रियों का सबसे ज्यादा भीड़ कपिल मुनि आश्रम में होने वाला है जहाँ पे लोग पूजा
करेंगे और फिर उसके बाद यहाँ गंगा सागर, जहाँ गंगा मैया आके समुन्दर सागर में मिलते हैं, इस जगह पे बहुत सारे लोग डुबकी लगाने आएंगे। पश्चिम बंगाल सरकार का कहना है उन्होंने बहुत अच्छे से प्लानिंग किया है, बहुत पैसे खर्च किया है ताकि हर तीर्थयात्री को एक रहने का जगह मिले, टॉयलेट फैसिलिटीज मिले, खाना मिले, साथ साथ उनके लिए इंश्योरेंस का इंतजाम भी किया गया है और ई स्नान, ई दर्शन, इन सारे चीजों का इंतजाम गंगा सागर मेला के तरफ से किया गया है। अब पश्चिम बंगाल सरकार का केंद्र सरकार से ये डिमांड है कि गंगा सागर मेला को भी एक नेशनल मेला घोषित कर दिया जाए। कैमरा पर्सन जी डी शंकर के साथ गंगा सागर, पश्चिम बंगाल से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया।